इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काबुल में तालिबान के खतरे के बीच भारत का मिशन देवी शक्ति लगातार जारी है। काबुल से आज 24 भारतीयों और 11 नेपाली नागरिकों को लेकर भारतीय वायुसेना का प्लेन हिंडन एयरबेस पर पहुंचा। काबुल से आए इन लोगों को आईटीबीपी सेंटर में शिफ्ट किया गया। सुबह 10 बजे आज हिंडन एयरबेस पर ये 35 लोग C-17 ग्लोब मास्टर से काबुल से दिल्ली पहुंचे। 12 घंटे का ये पूरा ऑपरेशन था, जिसमें हर एक घंटे ये इंतज़ार किया जा रहा था जो बाकी लोग हैं, अफगान सिख, अफगान हिंदू और साथ में जो इंडियन नेशनल है, वो वापस आ सके एयरबेस के पास। ऐसे में सभी लोग सिर्फ 35 की संख्या में ही हैं, जिसमें से 24 भारतीय हैं और 11 नेपाली नागरिक हैं। एक एक करके इनको बुलाया गया, फिर चारों तरफ कॉर्डन लगाया गया। भारतीय वायुसेना इंतजार कर रही थी कि बाकी लोग भी आ सके, लेकिन उसी बीच तालिबान ने एक बड़ा बयान दिया। तालिबान ने कहा कि जो भी अफगानी नेशनल है वो अफगानिस्तान छोड़कर नहीं जाएगा और जितने भी फॉरेन नेशनल हैं वो वापस जा सकते हैं। और फिर यही हुआ कि जो बाहर गाड़ियां थी उन्हें मजबूरन वापस जाना पड़ा। इसीलिए इस समय ये सभी लोग इस समय गाड़ी में मौजूद हैं और अब इनको क्वारंटाइन सेंटर पे ले जाया जा रहा है। वहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल बात यह है कि जो बाकी लोग हैं उनके लिए लगातार तैयारी की जा रही है। कुल मिला के 500 से ज़्यादा लोग जो है, अभी 500 से ज़्यादा जो लोग हैं उन लोगों को इवैक्यूएट करवा लिया गया है और करीबन 1000 की संख्या में अभी भी वो लोग हैं जो वहाँ पर हैं। ई वीज़ा के लिए 3000 से ज़्यादा कॉल्स आई हैं, उसके अलावा रिस्पॉन्ड किया जा रहा है और कॉन्टिन्यूस यही कोशिश की जा रही है कि कोई भी भारतीय या अफगान सिख, अफगान हिंदू अफगानिस्तान में ना छूटे, उन सबको सकुशल भारत लाया जाए। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।